डिबेंचर जो हमने स्टार्ट किया था पहले, उसमें हमने तीन चार बातों पे मेनली फोकस किया था कि डिबेंचर को रिडीम करने से पहले हमें एक DRR बना लेना चाहिए और एक DRI का पॉइंट था, बेसिक सा पॉइंट्स था, कुछ जर्नल एंट्री जो आपकी किताब में इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 4 है आई थिंक, उसके ऊपर बेस था। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ये देखा है रिडेम्पशन। आज की क्लास में जो बच्चे नए भी जुड़े हैं उनको भी समझ में आएगा, जो बच्चे पुराने हैं उनको तो समझ में आएगा ही आएगा। तो जो मैंने टॉपिक उठाया है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, पहले हम समझेंगे कि सर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर होता क्या है और इसको क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल टॉपिक है और एग्जामिनर का इसमें आता है, एग्जाम में जो है एग्जामिनर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहता है कि एग्जामिनर इसमें पूछता है इस टॉपिक से रिलेटेड, कन्वर्जन से रिलेटेड एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में। बहुत सिंपल है, पहले एग्जाम वगैरह के लिए हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि कन्वर्जन है क्या। देखिए कन्वर्जन का मतलब है, जैसे मान लो, ध्यान देना, एक कंपनी है XYZ और ये लिमिटेड है, तो क्या XYZ लिमिटेड कंपनी जो है ये डिबेंचर इशू कर सकती है क्या? तो आपका जवाब होगा सर हाँ ये डिबेंचर इशू कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये डिबेंचर इशू नहीं कर सकती, डिबेंचर इशू कर सकती है। तो जब ये इशू करती है ना डिबेंचर, तब इन्हें अपनी सारी शर्तों को बताना होता है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर आपको पैसे दे रहा है। मान लेते हैं ये आप हो और आप डिबेंचर होल्डर हो और आप ढेर सारा पैसा या कुछ भी पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो, तो आपको मैंने बोल दिया डिबेंचर होल्डर। तो जब तक आपको सारी बातों का क्लियरिटी नहीं होगा तब तक आप इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट नहीं करोगे। क्लियरिटी का मतलब सबसे पहले इंटरेस्ट कितना मिलेगा, नंबर दो रिफंड, इसके पैसे इसको रिफंड कब देगा कंपनी, कंपनी जो है इसके पैसे रिफंड कब देगा यानी रिडीम कब होगा, इसके बाद रिडीम कैसे होगा, कैसे होगा रिडीम और रिडेम्पशन के टाइम पे कितना पैसा दिया जाएगा, इसको सारी बातें इसको हमें बतानी पड़ेगी तब देगा हमें ये डिबेंचर। तो जो रिडीम कैसे होता है, यहां पे कुछ हमारे पास मेथड्स हैं। एक होता है रिडेम्पशन नॉर्मली लमसम में, जो कि हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत देखा है। एक होता है हमारा रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। बाय कन्वर्जन का मतलब है, और ये जो कन्वर्जन के साथ हम रिडेम्पशन करेंगे ये तय कब होता है बताओ, डिबेंचर इशू करने के बाद या पहले ही हो जाता है? ये पहले ही हो जाता है। कंपनी लॉ कहता है कि आप कभी भी डिबेंचर इशू नहीं कर सकते कन्वर्जन वाला। तो सर अगर डिबेंचर हम इशू ही नहीं कर सकते कन्वर्जन वाला, तो फिर कन्वर्जन बाद में होता क्यों है? कंपनी लॉ का कहना है 100% डिबेंचर आप इशू नहीं कर सकते कन्वर्जन वाला। यानी ऐसा पॉसिबल है, जैसे कि मान लो 1,00,000 डिबेंचर इशू किया तो 80,000 हम कन्वर्ट कर देते हैं और बाकी का हम क्या करते हैं, पैसे वापस देंगे। यानी 100% फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर कैन नॉट बी इशू बाय द कंपनी। ठीक है, तो सर कन्वर्जन जब करेंगे हम, ऑप्शन मैंने बताएं आपको क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है लमसम, आपके पेमेंट रिटर्न करूंगा लमसम, हो सकता है कन्वर्जन। जैसे ही कन्वर्जन में रिटर्न करना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कंपनी जब कन्वर्जन करती है तो कैसे करती है। तो कन्वर्जन का मतलब हम आपसे पुराने वाले डिबेंचर ले लेंगे वापस, छीन लेंगे आपसे और आपको बदले में कुछ और देंगे। सर बदले में क्या क्या मिल सकता है? नंबर वन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे सकते हैं हम बदले में, है ना। आपने मुझे 100 रुपये उधार दिए थे तो आपको मैंने डिबेंचर दिया। अब जब मुझे आपके पैसे रिटर्न करने थे तो मैंने आपसे बोला कि आप पैसे नहीं दे रहा, मैं आपको आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि आपको पैसे चाहिए या फिर आप प्रेफरेंस शेयर ले लेंगे हमारी कंपनी का। तो बट ऑब्वियस आप एनालिसिस करोगे, आप देखोगे, सोचोगे, समझोगे। क्या सोचोगे समझोगे? पैसे लेते हैं तो 100 के 100 रहेंगे, अगर प्रेफरेंस शेयर लेंगे तो शायद 100 के 110 बन जाए। तो आप होता है ना, पैसे को आप पलट देते हो। समझते हो पैसे को पलटने का मतलब?
कि आपने क्या करा, उस पैसे को वहीं पर री इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको बोला जा सकता है कि आपको प्रेफरेंस शेयर देंगे तो आपसे डिबेंचर ले लेंगे और बदले में क्या देंगे। तो यहाँ पे दो बातें हो गई, आपसे डिबेंचर लिया रिडीम हो गया, आपको प्रेफरेंस शेयर दिया तो इशू हो गया, यानी यहाँ रिडीम की भी जर्नल एंट्री और इशू की भी जर्नल एंट्री। नंबर दो, आपको हो सकता है न्यू डिबेंचर दे दूँ। सर न्यू डिबेंचर का मतलब, पहले आपको मैंने दे रखा था 10% वाला डिबेंचर, अब मैं आपको दे दूँ 12% वाला डिबेंचर। तो जहाँ डिबेंचर का परसेंटेज चेंज हो जाता है ना, तो इसका मतलब होता है वो कौन सा डिबेंचर हो गया, नया डिबेंचर। क्या सर परसेंटेज हमें हमेशा बढ़ा के देगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है पहले 10 था अब मैं 9% वाला आपको दे दूँ। फिर क्वेश्चन आता है सर ये लेगा क्यों, मर्जी है भाई, नहीं लेना तो पैसे लो और जाओ, हम तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं ना। यानी आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा उसमें भी ऑप्शन होंगे, और उसमें से बताएगा कुछ डिबेंचर ये ले रहा है पैसे, कुछ डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर ले रहा है, और कुछ डिबेंचर ले रहा है। हमें उन सभी का जर्नल एंट्री करके दिखाना है, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल। तीसरा ऑप्शन वैसे होता नहीं है, मैं लिख देता हूँ नॉर्मली, कि इक्विटी शेयर भी हो सकता है ना, कि आप डिबेंचर दे दो बदले में क्या ले लो हमसे, इक्विटी। नॉर्मली लास्ट ऑप्शन रहता है, बहुत रेयर केस में देते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन का मतलब है बहुत सिंपल, आपसे डिबेंचर ले लिया जाएगा और बदले में आपको कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाएगा, हो सकता है प्रेफरेंस शेयर हो और हो सकता है न्यू डिबेंचर हो। और एक तो ऑप्शन है ये, आपको पैसे तो दे ही नहीं देना है। अगर आपको बोलते हो सर हमें ना तो ये चाहिए ना ये चाहिए ना ये चाहिए, तो मैं बोलूँगा भाई फिर तुम्हारे लिए तो यही है, अपने पैसे लीजिए और चलता बनिए। जब हम कन्वर्जन करते हैं तो हमें टेंशन नहीं है, हमने क्या करना है, सिर्फ कागजी कार्रवाई तो करना है, वाला डिबेंचर लेके अपने रजिस्टर में से नाम काटना है और नया प्रेफरेंस शेयर पे आपका नाम चढ़ाना है। तो बोला गया जब कन्वर्जन होगा तो यहाँ DRR बनाने की कोई आवश्यकता, क्योंकि समस्या ही नहीं है यहाँ पे, तो ना तो यहाँ पे DRR बनेगा ना ही DRI बनेगा, समझे बात आप। अब कन्वर्जन कैसे हो सकता है, ध्यान से सुनना, केस वाइज में बता देता हूँ। जैसे मान लो हो सकता है कि आपने मुझे 100 रुपये दिए हैं, पॉसिबिलिटी है आपने मुझे 100 रुपये दिए और डिबेंचर मैंने दे दिया। केस नंबर 1 बन सकता है कि मैं आपको रिटर्न करूँगा 110, या रिटर्न मैं करूँगा 100। केस नंबर 2 हो सकता है मैं आपको रिटर्न करूँगा, और केस नंबर 3 भी हो सकता है, हाँ मैं रिटर्न कर दूँ आपको 90। लेकिन 90 वाली बात हजम नहीं होती जल्दी से, तो जब ओपन मार्केट में आएंगे तो आप सभी को हजम होने लगेगा। ये ओपन मार्केट में आएंगे तो अभी मान लेते हैं, हो सकता है मैं आपके रिटर्न कितने करूं, 90। लेकिन कन्वर्जन के केस में क्या मैं आपके 100 करूं, 110 करूं या 90 करूं, क्या कन्वर्जन के केस में आपको पैसे दूंगा, नहीं दूंगा। मान लेते हैं आपको मैं क्या दे रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर। जब मैं आपको प्रेफरेंस शेयर दूंगा, प्रेफरेंस शेयर, तो हो सकता है कि जब मैंने आपसे 100 लिए तो आपको प्रेफरेंस शेयर 100 का ही दूं, हो सकता है आपको प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम पे दूं, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो आपको जो बदले में सामान दिया जाएगा वो भी देखो, जब रिडीम किया जाएगा तो रिडीम 3 तरीके से, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, बदले में सामान दिया जाएगा वो भी हो सकता है एट पार और एट प्रीमियम, समझे। इसको हर एक केसेस को हम एक छोटे छोटे से एग्जांपल लेके समझेंगे, बुक के अंदर के नहीं, मैं अपने आप ही लिख देता हूँ एग्जांपल, और उस एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं, केस मैं बनाता जाऊँगा, और एक एक दो दो लाइनर एग्जांपल जिसमें आपको समस्या ना हो। केस नंबर 1, केस नंबर 1 मान लेते हैं XYZ ने इशू किए हैं 10,000 या 10% ₹10,000 का डिबेंचर, ठीक है, और रिडीम होगा एट पार। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको रिटर्न कितना करूँगा,
बताओ कितना रिटर्न करूँगा, 10,000 ही करूँगा। रिडीम एट पार बाय कन्वर्जन 12% प्रेफरेंस शेयर एट 100 ईच, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले रिडीम करने की एंट्री करेंगे, क्या हमें DRR बनाना है? नहीं बनाना, DRI नहीं बनाना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। पहली एंट्री क्या करेंगे, 10% डिबेंचर 10,000, और किसको पेमेंट देना है, टू डिबेंचर होल्डर। इसका बीइंग क्या होगा, बीइंग डिबेंचर होल्डर अमाउंट ड्यू। समझ में आई बात आपको? अब पेमेंट करते तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक होता, लेकिन यहाँ पेमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्या करेंगे बदले में, क्या देंगे हम, प्रेफरेंस शेयर। तो एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर टू 12% प्रेफरेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन नहीं होगा, पैसा कहाँ आएगा यहाँ, कोई एप्लीकेशन भी नहीं देने वाले, ये सिर्फ कागज का क्या करेंगे, वो एक्सचेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एंट्री, ये हो गया हमारा डिबेंचर रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन, सिंपल केस। बीइंग में क्या लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर इशू, सॉरी प्रेफरेंस शेयर इशू किसको किया, टू डिबेंचर होल्डर। बताइए पहले केस में किसी को दिक्कत, सिंपल है। दूसरा केस एक प्रीमियम वाला लेते हैं। सर दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लेते हैं एक्स वाई जेड इशूड 12% डिबेंचर 15,000, रिडीम एट 10% प्रीमियम 13% प्रेफरेंस शेयर एट 100 ईच। देखिए अब एंट्री क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। एंट्री क्या होना चाहिए, लगाओ दिमाग, सोचो, 12% डिबेंचर 15,000, और क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या कर देंगे, डेबिट। 10% का मतलब, समझे बात, और टू डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर में क्या आएगा, डिबेंचर होल्डर में आएगा हमारा 16,500। किसी को डाउट इस पे तो बताइए, किसी को डाउट इस एंट्री में? नहीं। अगली एंट्री देखें, अगली एंट्री क्या करेंगे हम, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या करें, 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने, 16,000। ये बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि जितना हमें डिबेंचर होल्डर को देना होता है उसी का हिसाब प्रेफरेंस शेयर में जाएगा, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बीइंग वही रहेगा सेम, एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी इसमें। सर कौन सी एंट्री एक्स्ट्रा होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ भी करना पड़ता है। इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप करिए स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस या सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हो गई राइट ऑफ करने की, कितनी, 16,000। अच्छा हाँ, ये तो प्रीमियम का पैसा, सिर्फ कितने, 1,500। तो आप ध्यान दीजिएगा,
जब कभी भी कोई सिक्योरिटी प्रीमियम पे रिडीम होता है तो उसके प्रीमियम को राइट ऑफ करना, राइट ऑफ का मतलब खत्म करो। तो ये वाला जो प्रीमियम है ना, ये वाला जो प्रीमियम है, ये देखो डेबिट है ये वाला प्रीमियम। अब इसको जब आप जीरो करोगे तो बट ऑब्वियस है आपके पास एक ही रास्ता, इसको क्रेडिट करो। तो इसी प्रीमियम को मैंने यहां क्रेडिट किया है सर। जब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट वाले को जब आपने क्रेडिट कर दिया मतलब जीरो हो गया, इसी को तो बोला जाता है राइट ऑफ करना। तो सर यहां पे डेबिट में क्या होगा, डेबिट में स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से मैच करिए या सिक्योरिटी प्रीमियम से मैच करिए। ये सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आया है दोबारा, इसके ऊपर मैं स्टार बना देता हूँ। आगे क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आया, समझे बात। बाकी आप स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से अभी करेंगे, क्लियर। जिस पे डाउट है मुझे पता है आ सकता है इस पे डाउट, स्टार बना देता हूँ। जब बैलेंस शीट पूरा दिखेगा तब मैं समझाऊँगा अच्छे से, ठीक है। तो दो केसेस करें, छोटे छोटे तीन चार केसेस करेंगे हम। तो आप फटाफट से एक बार दो केसेस को नोट करिए, फिर अगले केस पे चलते हैं। केस नंबर थ्री देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड ने इशू किए 12% डिबेंचर रुपीस 80,000 का, ठीक है। रिडीम रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम बाय कन्वर्जन फोर्टीन परसेंट प्रेफरेंस शेयर एट 100 एट 10% प्रीमियम। अब देखिए चौथे केस में क्या करा मैंने, आपके डिबेंचर को रिडीम किया जा रहा है और रिडीम प्रीमियम पे, और बदले में जो प्रेफरेंस शेयर देंगे वो भी प्रीमियम पे है। तो ऐसे सिचुएशन में पहली एंट्री तो बहुत सिंपल रहेगी सर। क्या सिंपल एंट्री रहेगी, 12% डिबेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, या सिक्योरिटी प्रीमियम भी चलेगा, एसपी का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम है, टू डिबेंचर होल्डर। क्या अमाउंट आएगा यहां पे, यहां पे आएगा 80,000 और 10% का मतलब 8,000, और हमें डिबेंचर होल्डर को देना है 88,000। समझ में आया। अगले पॉइंट पे चलते हैं सर। अगले पॉइंट पे तो हमें डिबेंचर होल्डर को क्या देना है, लेकिन जब कभी भी रिडम्पशन प्रीमियम पे मतलब हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उसके बदले जो हम दे रहे हैं ना वो प्रीमियम पे हो, तो सबसे पहले हमें नंबर फाइंड करना होगा। यानी हम अगली एंट्री करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड करना होगा, सॉरी प्रेफरेंस शेयर। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर फाइंड करने का फॉर्मूला या सिंपल सा समझ लो, डिबेंचर होल्डर का अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। सर इशू प्राइस क्या है, इशू प्राइस है हमारा फेस वैल्यू प्लस कर दो सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट है तो माइनस कर दो डिस्काउंट, उसी को बोलेंगे इशू प्राइस। तो सर यहां नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर सिंपल है, आपका डिबेंचर होल्डर को कितना पेमेंट देना, 88, तो यहां लिखा हमने 88, इसको डिवाइड कर देंगे। बताओ किससे डिवाइड करेंगे, इशू प्राइस से, तो 100 का तो प्रेफरेंस शेयर है, और हम जो इशू करेंगे आपको किस पे करेंगे, 10%। तो मुझे बताइए, जवाब दीजिए फटाफट, मुझे इशू प्राइस कितना है यहाँ पे, 110। तो डिवाइड किससे कर दें हम, तो नंबर निकल के आया 800, अच्छा 800 निकल के आया, नंबर निकल के आया हमारा 800। अब अगली एंट्री देखिए कैसे करें, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितने का, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब 800 है ना,
800 गुना में 100, 80,000, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 800 मल्टीप्लाई बाय 10, 8,000। ये हुआ एंट्री। अब देखो प्रीमियम को आप ध्यान से देखो तो एक प्रीमियम हमारा डेबिट भी है, एक प्रीमियम क्रेडिट भी है। राइट ऑफ करने की बात होती है ना, तो राइट ऑफ हम करते हैं किसको, जो कि हमें रिडम्पशन पे दिया है, जो इशू पे लिया है हमने प्रीमियम उसको राइट ऑफ नहीं किया जाता। तो ये वाला वो प्रीमियम है जो हमने लिया है, और ये प्रीमियम वो है जो हमने, और सिंपली कहें तो ये ऑन और ये किस पे है, इशू पे है। तो कहा गया सिक्योरिटी प्रीमियम जब देते हो उसको राइट ऑफ करने के लिए हम पीएनएल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पुराना सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा पड़ा हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो पैसा पड़ा हुआ तो है नहीं, ये तो देने वाली बात है, ये हमारे पास है प्रीमियम का पैसा क्योंकि हमने प्रीमियम लिया है तो ये पड़ा हुआ है। तो जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल सी बात है, पहले अगर इसको हमें देना है राइट ऑफ करना है तो मैंने लिखा टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला 8,000, कोई डाउट इसमें। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास प्रीमियम पड़ा है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब क्रेडिट में इसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो देखिए मैं डेबिट में लिख सकता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम, हो गया ना इस्तेमाल। तो अभी थोड़ी देर पहले वाली एंट्री में मैंने स्टार बनाया था, मैंने क्यों कहा था सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जो डेबिट हो रहा है ये कौन सा है, जो हमने इशू पे कमाया है, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है ये कौन से वाला है यहाँ पे, जो रिडम्पशन पे। समझ में आई बात आपको, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे क्योंकि हमारे पास प्रीमियम का पैसा है। सपोज करो सर हमारे पास प्रीमियम का पैसा ही नहीं होता, तब देखा था ना पीछे हमने स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से एंट्री कर दिया था, कोई दिक्कत इसमें, केस नंबर 3 नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए आप इसमें। समझ में आया सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, मैंने समझा दूं एक बार, क्या लिखा कि मैंने रिडीम करना है 15% डिबेंचर 1,00,000, यानी आपके पैसे वापसी करने हैं 1,00,000, और 1,00,000 के बदले आपको 10% प्रीमियम भी मिलेगा यानी 1,65, सीधा सीधा मोटे मोटे हिसाब 15,000 रुपये का एक्स्ट्रा 1,00,000 हुआ। मैंने बोला कन्वर्जन बाय 80%, यानी आपको जो 1,65 देना है या जो 1,00,000 रुपये, सॉरी 1,65 गलत बोल दिया, 1,10 होगा, ठीक है, जो आपको 1,00,000 रुपये देना है उसका 80% हिस्सा तो आपको दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, बाकी का हिस्सा बैलेंस कितना बच गया उसके बदले दिया जाएगा 16% डिबेंचर। तो ये कौन से डिबेंचर हो गए, न्यू डिबेंचर। यानी अब आपको पहले एक ही चीज इशू हो रहा था, अब कितने चीजें इशू कर रहा हूं मैं, दो चीजें इशू किए जा रहे हैं, ठीक है ना, दो पॉइंट इशू किए जा रहे हैं। तो सर इसमें क्या होगा जनरल एंट्री, वो भी देख लेते हैं। अब जो आपको बदले में मैं दे रहा हूं प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, वो प्रीमियम पे नहीं है, इस एग्जाम्पल में किस पे, एट पार पे। तो एंट्री क्या करेंगे हम, 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। सर 15% डिबेंचर में कितना आएगा, 1,00,000। अब बताइए यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा, समझे। अगली एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैं दूंगा 80% यानी 80,000 का, है ना, और सिर्फ 80,000 का नहीं, 80,000 का प्रीमियम का भी बदले में, यानी 80,000 प्लस 8,000, यानी प्रेफरेंस शेयर तो मैं दूंगा 88 का, और न्यू डिबेंचर जो मैं दूंगा आपको वो 20,000 प्लस में 2,000 प्रीमियम भी तो दूंगा आपको मैं वापसी, यानी 22। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जी, टोटल पैसा आपको देना है 1,10 का 80% देंगे हम, 1,10 का 80% क्या देंगे,
जो कि होता है हमारा, और इसका 20% डिबेंचर देंगे आपको, जो होता है 22,000। दोनों में से समझ में आ गया क्या कर रहा हूँ मैं? अब आपको जब दिया जाएगा तो एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 1,10, और 2 कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2, इसी में करना है, अलग से नहीं करना जनरल एंट्री, 16% डिबेंचर। सर अगर अलग से करेंगे गलत होगा? गलत नहीं होगा, बस टाइम आपका यूज होगा, और अकाउंट्स के पेपर में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हालांकि आधा घंटा जो एक्स्ट्रा दिया गया है वो मान के चलो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे यूज हो गया, ठीक है। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम था, नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। ये आ जाएगा 88,000 और ये आ जाएगा हमारा। अब देखिए मुद्दे की बात, हमें ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम तो राइट ऑफ करना है ना, इसको राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास प्रीमियम है कोई? नहीं है। तो इस प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए है जी प्रीमियम? 10,000। कितने रुपए? 10,000। ये देखिए 10,000 लिखा है, समझ में आया केस नंबर 4? यानी इसमें नया क्या था, मैंने दो पार्ट में कर दिया। एक और केस बन सकता है जिसके अंदर मैं बोल देता कि भाई 50% प्रेफरेंस शेयर, 20% आपको दिया जाएगा डिबेंचर, और बाकी के 30% दिए जाएंगे कैश, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जो कैश वाला हिस्सा होगा उसके लिए DRR भी बनेगा, DRI भी बनेगा, पूरा हो जाएगा वो कैश वाले हिस्से के लिए, कन्वर्जन वाले हिस्से के लिए नहीं होगा। तो एक बार केस नंबर 4 नोट करिए, फिर 5वें केस पे आते हैं। लास्ट एग्जाम्पल को चेंज करके क्या बनाएंगे, केस नंबर 5। एग्जाम्पल क्या चेंज करूँगा, सेम है भाई, इतने का है 10% प्रीमियम पे, 80% प्रेफरेंस शेयर, बैलेंस 16% डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट। बैलेंस जो है, या फिर मैं थोड़ा और आसान कर देता हूं, मैं कन्वर्जन बाय 16% डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट, समझे? यानी अब आपसे 100 रुपये का है, आपको रिटर्न 110 करूँगा प्रीमियम पे, और बदले में आपको सस्ता ही दूंगा मैं, 100 रुपये वाली चीज़ जो डिबेंचर 100 का था, मैं 100 का नहीं दूंगा, कितने का दूंगा? 90 का, समझे? पहली एंट्री 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिर 2 क्या आएगा, डिबेंचर। सर क्या पहले वाला ही, बिल्कुल सेम पहले वाली एंट्री रहने वाली है यहाँ पे, तो चेंजेस जहाँ आएगा मैं बताऊंगा अभी। अब हमें जो इशू करना है नंबर ऑफ डिबेंचर, अगर हम एट पार करते हैं ना कोई चीज़ भी दोबारा इशू, तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना, लेकिन एट प्रीमियम हो या एट डिस्काउंट पे इशू हो, कन्वर्जन हो, तो नंबर निकालना जरूरी है। अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर। फॉर्मूला क्या रहेगा सर, डिबेंचर होल्डर का अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, है ना? अगर ध्यान से देखा जाए क्या निकल के आएगा नंबर, 110। अब बताइए इशू प्राइस क्या है, कौन बताएगा? 100 रुपये का डिबेंचर आपको दे नहीं रखा है। कुछ बच्चे ही बोलेंगे सर आप एक डिबेंचर बता ही नहीं रहे, हो सकता है 10 का है, तो डिबेंचर के केस में आप 100 रुपये का अजम्पशन ले सकते हैं, और 10 का भी मानोगे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आना है। तो जी यहाँ पे 100 रुपये का था और डिस्काउंट पे मैं आपको डिबेंचर दूंगा, तो मतलब इशू तो 90 का करूँगा ना आपको, समझ रहे हो? डिवाइड कर देते हैं इसको, शायद पॉइंट में आ जाए, तो क्या पॉइंट से डरना थोड़ी है। तो एक बात और सीख जाएंगे पॉइंट में आएगा, तो
पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होता है उसे इग्नोर कर देते हैं, अदर देन कैश में हमने देखा था। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है क्या कर दो उसको, इग्नोर। पहले यहां तक देखो, नंबर निकल गया। मेरा मेन काम था नंबर बताना, पॉइंट में आ गया तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। अगली एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 1.10। डिस्काउंट, क्योंकि अब तो डिस्काउंट पे हो रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू सर क्या आएगा, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का डिस्काउंट है, 10 का, तो 12,000 टू 16% डिबेंचर कैसे निकालोगे, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,22,000। ऐसे सिचुएशन में जब कभी भी देखोगे तो डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा, देखो मैच नहीं हो रहा होगा। तो जब मैच नहीं होता तो मैच करने के लिए हम हेल्प ले लेते हैं कैश का। सर ऐसा क्या हर बार होगा, नहीं, ये पॉइंट में आया उसी टाइम होगा, अदरवाइज पॉइंट में नहीं आता तो बिल्कुल एग्जैक्ट आता। तो कितने रुपए का फर्क आ रहा है, 20 रुपए का, 20 का आ रहा है, 80 का आ रहा है, 20 का आ रहा है, देख लेते हैं एक बार, 12,220 प्लस 1,22,200 1,34। अच्छा हाँ, 20 का आ रहा है, मैं इसको क्रेडिट ले रहा था, डेबिट है ना, ये तो डेबिट है, ठीक है ना, दिक्कत खत्म यहाँ पे। पहले ये वाला समझ में आया कि नहीं ये बताओ, जो बच्चे लाइव क्लास में भी है वो भी बताओ। फिर एक एंट्री और भी है, अब इस डिस्काउंट को भी खत्म करना है, इसको भी राइट ऑफ करना है। तो सर राइट ऑफ कैसे करेंगे, राइट ऑफ करेंगे अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में है तो ठीक, नहीं तो राइट ऑफ करने की एंट्री स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू, लास्ट वाले चैप्टर में भी था ये पॉइंट। तो कितने, 12, बताइए, किसी को डाउट है तो पूछिए मुझसे पहले। कौन सा हाँ, इसी के साथ कर सकते हैं, पहले यहां तक देखते हैं एक और एंट्री, तो ये या इसको अलग ही कर देते हैं, कर सकते हैं साथ में। ये तो हो गया इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू एसपी सिक्योरिटी प्रीमियम। एंट्री कोई भी किसी दिन हो, ये एंट्री दोनों हमेशा एंड में होगा, क्योंकि जिस दिन प्रॉफिट एंड लॉस बनता है उसी दिन डलता है। तो जितने भी बच्चे लाइव क्लास में, जो बच्चे देख रहे हैं, अगर किसी को डाउट है तो बताइए, केस नंबर कौन सा, 5 है ना ये, फिर और भी केसेस देखेंगे, पहले बताइए किसी को कोई डाउट है तो।